आप देख रहे हैं दिव्य हिंदी न्यूज पर अकोला की टॉप 10 न्यूज। पावर बाय विदर्भ का सबसे बड़ा फर्नीचर मॉल MR फर्नीचर मॉल। यहां होम, स्कूल, हॉस्पिटल, सभी प्रकार की दुकान के कस्टमाइज फर्नीचर MR फर्नीचर मॉल में बना कर दिए जाते हैं। पता MIDC नंबर 4, प्लॉट नंबर 76, कुम्भारी रोड, अकोला। पिछले 19 वर्ष से अकोला महानगर में किसान सम्मान समारोह के साथ ही उत्कृष्ट बैल जोड़ी सजावट स्पर्धा का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष भी बैलों के त्योहार पोला उत्सव पर गुरुवार 14 सितंबर को सायंकाल 5 बजे स्थानीय पोला चौक में आयोजित किया गया है। संत गाडगे बाबा संस्था की ओर से आयोजक अनिल मालगे के नेतृत्व में यह आयोजन किया जा रहा है। विधानसभा की मतदाता सूचियों को अद्यावत करने का कार्य पर्यवेक्षक तथा मतदान केंद्र स्तरीय अधिकारी यानी BLO के जरिए किया जा रहा है, लेकिन अकोला मनपा क्षेत्र में संतोषजनक कार्य नहीं हो रहा। इसको लेकर मनपा आयुक्त कविता द्विवेदी ने नाराजगी जाहिर करते हुए चुनाव की गंभीरता को देखते हुए कार्य को गति प्रदान करने के निर्देश दिए। अकोला मनपा क्षेत्र में खुले में मांस बिक्री का प्रमाण बढ़ा है। सड़कों के किनारे ही दुकानें लगाकर मांस बिक्री की जा रही है। वहीं दूसरी ओर अतिक्रमण की समस्या ने विकराल रूप धारण कर लिया है। इस कारण मनपा की ओर से अतिक्रमण के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। बुधवार को पोला मैदान तथा दद्दी पुल समीप का अतिक्रमण हटाया गया। अकोला जिला पुलिस अधीक्षक की ओर से ट्रैफिक कर्मचारी के लिए चौराहे पर धूप और पानी से बचने के लिए छोटे पुलिस बूथ अस्थायी तौर पर रखे गए हैं। इस पुलिस बूथ के माध्यम से चौराहों पर ड्यूटी करने वाले ट्रैफिक पुलिस कर्मचारियों को बरसात और धूप से बचने में सहायता मिलेगी। इस तरह के कुल 11 पुलिस बूथ अकोला के विभिन्न चौराहों पर लगाए गए हैं। जिला कौशल विकास रोजगार एवं उद्यमिता केंद्र अकोला कार्यालय द्वारा आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय रोजगार सम्मेलन में विभिन्न पदों के लिए 137 उम्मीदवारों का प्रारंभिक चयन होने की जानकारी जिला प्रशासन की ओर से दी गई है। इस रोजगार सम्मेलन में कुल 279 अभ्यर्थियों ने सहभाग लिया। नांदेड़ से अकोला होते हुए लोकमान्य तिलक टर्मिनस मुंबई के बीच दौड़ने वाली द्वि साप्ताहिक विशेष ट्रेन को अब सामान्य रूप से दौड़ाने का निर्णय दक्षिण मध्य रेल प्रशासन ने लिया है। इस ट्रेन का विशेष ट्रेन का दर्जा हटाए जाने से उसका किराया भी अब सामान्य हो जाएगा। निजी अस्पताल की तुलना में सरकारी अस्पताल के प्रति आम नागरिकों का नजरिया बहुत अलग है। हालांकि शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय GMC अकोला के स्त्री रोग और प्रसूति विभाग में एक अत्याधुनिक सर्जिकल थिएटर का निर्माण किया गया है, जो एक निजी अस्पताल के OT से भी सुंदर दिख रहा है। बुधवार को यहां आयोजित कार्यशाला में श्रीलंका से 16 डॉक्टरों की टीम शामिल हुई। गणेशोत्सव के अवसर पर मनपा में 8 सितंबर से एक खिड़की योजना शुरू की गई है। इस एक खिड़की में अब तक कुल 113 गणपति मंडलों को अनुमति दी गई है। वही शहर में जगह जगह गणेश पंडालों का निर्माण कार्य आरंभ हो चुका है। अब गणेश उत्सव को केवल 4 दिन बचे हैं। तेलबीज बुआई व किसान उत्पादक कंपनी के माध्यम से प्रक्रिया उद्या का जाल निर्माण करने के लिए कृषि विश्वविद्यालय कृषि विभाग व सभी का सहयोग आवश्यक है। उक्त प्रतिपादन PKV के उपकुलपति डॉक्टर शरद गराख ने PKV में आयोजित विभागीय कृषि संशोधन व विस्तार सलाहकार समिति की 74वीं सभा में व्यक्त किया। अकोला मनरेगा में काम के अंकेक्षण के लिए 100 साधन व्यक्तियों का चयन किया जाएगा। इसके लिए प्राप्त आवेदन की जांच पूर्ण हो गई है। जांच के बाद 303 व्यक्ति मुलाकात के लिए पात्र ठहरे हैं। वैसी सूची NIC के संकेत स्थल पर प्रकाशित की गई है। नमस्कार, आप देख रहे थे दिव्य हिंदी न्यूज की टॉप 10 न्यूज। जिले से जुड़ी सभी न्यूज से अपडेट रहने के लिए आज दिव्य हिंदी न्यूज के इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूले। साथ ही दिव्य हिंदी न्यूज के ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे साथ बने रहें। दिव्य हिंदी न्यूज आपके परिवार को रखे जागरूक और आपको एक्टिव। धन्यवाद।